इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है कॉकरोच एनिमल टिश्यू पार्ट 5 और इस प्रेजेंटेशन में हम कॉकरोच से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। बहुत ब्रीफ में इस डायग्राम की हेल्प से कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं। कॉकरोच की बॉडी तीन भागों में बटी होती है, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमन। यहाँ हेड पे देखिए तो ये कंपाउंड आइज हमें दिख रही हैं और ये एंटीना है। कंपाउंड आइज को आगे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थॉरेक्स रीजन इसका 3 सेगमेंट्स का बटा होता है। सबसे आगे के हिस्से को हम प्रोथॉरेक्स कहते हैं और बीच के हिस्से को मीजोथॉरेक्स और सबसे पीछे वाले इसके सेगमेंट को हम मेटाथॉरेक्स कहते हैं। और एब्डोमन 10 सेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। यहाँ देखिए थोरेक्स पे 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स अटैच होते हैं। हर थोरेसिक सेगमेंट के साथ में एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग अटैच है, तो इस तरह से 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं इसके पास। और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है उसे हम मीजोथोरेसिक विंग कहते हैं क्योंकि ये इसके मीजोथोरेक्स से अटैच होता है। और जो हाइंड पेयर ऑफ विंग है वो इसके मेटाथोरेक्स से अटैच होने की वजह से उसे मेटाथोरेसिक विंग्स भी कहते हैं। एब्डोमन पहले ही बता चुके हैं 10 सेगमेंटेड है। यहाँ एक और स्ट्रक्चर देखिए एब्डोमन से अटैच्ड, ये 10th एब्डोमिनल सेगमेंट से अटैच्ड ये स्ट्रक्चर है, ये इसे हम एनल सरकाई बोलते हैं। और इस एनल सरकाई की हेल्प से ये कॉकरोच अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस को परसीव करता है। अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस का क्या मतलब है कि जब हम चलते हैं तो हमारे चलने से जो हमारे फुट स्टेप्स से जो वाइब्रेशंस बनते हैं अर्थ सरफेस पे उन्हें हम अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस कहते हैं। और अर्थक्वेक के दौरान भी जो वाइब्रेशंस बनते हैं उनकी डेंसिटी डेफिनेटली बहुत हाई होती है, लेकिन वो भी अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस का ही एग्जाम्पल हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ में हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया है। अब हम कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग बॉडीज़ में एग्जिस्ट करते हैं और इनके पास कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से हम मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इसी को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आप इस डायग्राम में देखिए तो ये पोस्टीरियर रीजन है एक मेल कॉकरोच का और ये पोस्टीरियर रीजन है एक फीमेल कॉकरोच का। तो मेल कॉकरोच में एनल सरकाई देखिए दोनों के पास हैं, फीमेल कॉकरोच के पास भी है और मेल कॉकरोच के पास भी है, लेकिन मेल कॉकरोच के पास एक एक्स्ट्रा अपेंडेज हमें देखने को मिल रहा है जिसे हम एनल स्टाइल कह रहे हैं। अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल हमें ये मेल कॉकरोच में ही देखने को मिलता है और ये अपेंडेज इसके 9th एब्डोमिनल सेगमेंट से ओरिजिनेट होता है। तो ये जो एनल स्टाइल है यहाँ पर हमें फीमेल के पोस्टीरियर बॉडी पार्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमें कॉकरोच में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। डायग्राम्स की हेल्प से हमने कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी डिस्कस की है, वह सभी पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे। कॉकरोच का डाइजेस्टिव ट्रैक तीन रीजन्स में हम इसको बांटते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। माउथ से लेकर और गिजर्ड तक के रीजन को हम फोरगट कहते हैं। यहाँ देखिए ये मेसेंटेरॉन या मिडगट दिखाया हुआ है और मिडगट के बाद यह हाइंडगट का रीजन है जिसको हम तीन रीजन्स में फर्दर डिवाइड करते हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। यहाँ आप देखिए तो ये क्रॉप और गिजर्ड के बारे में हमने जब हम अर्थवर्म का गट डिस्कस कर रहे थे तो डिटेल में वहाँ पे भी बताया था। क्रॉप एक स्टोरिंग डिवाइस है क्योंकि ये जो कॉकरोच है बहुत फटाफट खाना खाता है तो वो फटाफट एंगल्फ किया हुआ जो फूड है वो इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता रहता है जिसे हम क्रॉप कहते हैं। और गिजर्ड एक ग्राइंडिंग डिवाइस है और आगे अभी डिटेल में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। यहाँ देखिए कि जहाँ से ये मेसेंटेरॉन या मिडगट शुरू होती है वहाँ पर ये टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं और इनको हम बोलते हैं हिपेटिक सीके।
और ये हिपेटिक सी के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं मिडगट में, जिसकी हेल्प से मिडगट में डाइजेशन होने वाला है। और आप एक और स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर ये बहुत ही बारीक ट्यूब्यूल्स हमें और दिख रहे हैं, जिन्हें हम मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से कॉकरोच में एक्सक्रीशन होता है। यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से हम क्रॉप और गिजर्ड के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो बहुत ही फटाफट, बहुत जल्दबाजी में जो फूड एनगल्फ हो गया है वो यहाँ क्रॉप में स्टोर होता रहेगा। अब ये क्रॉप से जब ये मिडगट में आएगा तो गिजर्ड के थ्रू जब ये गुजरेगा तो गिजर्ड के पास ये कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसकी हेल्प से वो जल्दी जल्दी एनगल्फ किए हुए फूड को ये बहुत ही बारीक पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से फाइन ग्राइंडिंग होती है गिजर्ड में। यहाँ हमने गिजर्ड का टीएस भी दिखाया है, ट्रांसफर सेक्शन दिखाया है। तो यहाँ देखिए ये टीथ लाइक ग्रोथ हैं और इन पे हार्ड काइटिनस की थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से ये फूड पार्टिकल को बहुत बारीकी से ग्राइंड कर पाते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। डायग्राम की हेल्प से कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल अभी हमने डिस्कस किया है, वह सभी पॉइंट्स यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने ये ग्रासहॉपर का एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया हुआ है। तो ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में ये देखिए ट्यूब्यूल्स, ये टफ्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं, जिन्हें हम मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स का यहाँ हमने हाईली मैग्नीफाइड व्यू दिखाया हुआ है। तो देखिए ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स अंदर से हॉलो होते हैं और हीमोलिम्फ में नहा रहे हैं, हीमोलिम्फ में पड़े हुए हैं ये मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स। तो हीमोलिम्फ इन ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर करता है और जब ये हीमोलिम्फ इनकी कैविटी से ट्रैवल कर रहा होता है टुवर्ड्स हाइंड गट, तो ये इनकी जो सेल्स हैं वो इसेंशियल कंपोनेंट्स को, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब करके वापस हीमोलिम्फ में भेज देते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हाइंड गट में छोड़ दिए जाते हैं। वहाँ ये हाइंड गट में ये ट्रैवल करेंगे और फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। इसी चीज़ को इस डायग्राम में और बखूबी समझाया गया है, ये डायग्राम भी वही कह रहा है जो अभी एक्सप्लेन किया है हमने। तो यहाँ एक और बात बता दें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, उसकी वजह से ये यूरिकोटेलिक होते हैं और यूरिक एसिड की फॉर्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ हमने कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं कि कॉकरोच यूरिकोटेलिक होता है और कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वह मल्पीगियन ट्यूब्यूल्स का बना होता है। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इस डायग्राम की हेल्प से अब हम कॉकरोच में रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉकरोच का ट्रैकिया का बना हुआ है। ट्रैकिया ये ट्यूब्यूल लाइक ये पूरा नेटवर्क है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हम ट्रैकिया कहते हैं। और इस ट्रैकिया का पूरा नेटवर्क बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इसे हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। और ये ट्रैकिया जगह जगह पर बॉडी पर, कई जगह ये बॉडी सरफेस पर ओपन होते हैं, जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से ये स्पायरिकल्स दिखाए हुए हैं। तो कुछ स्पायरिकल्स थॉरेक्स रीजन में होते हैं, जिन्हें हम थॉरेसिक स्पायरिकल्स कहते हैं, और कुछ स्पायरिकल्स यहाँ पे एब्डोमिनल रीजन में दिखाए हुए हैं, जिन्हें हम एब्डोमिनल स्पायरिकल्स कहते हैं। इन स्पायरिकल्स को आप ह्यूमन के नॉस्ट्रिल से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ये कॉकरोच अपने स्पायरिकल्स से इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो जो भी इन्हेलेशन के दौरान या एक्सहेलेशन के दौरान जो भी एयर बॉडी के अंदर जा रही है वो ट्रैकिया में जाएगी, और ट्रैकिया फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम ट्रैकियोज कहते हैं। यहाँ डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि ट्रैकिया किस तरह से ये ट्रैकियोज में डिवाइडेड हैं, और ये जो ट्रैकियोज हैं ये डायरेक्टली बॉडी सेल्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पायरिकल से जो भी एयर अंदर जाएगी, इन्हेल की जाएगी, वो डायरेक्टली सेल्स को पहुंचाई जाएगी।
तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन में क्या होता है कि जो हम इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी सेल्स तक जाएगा, लेकिन कॉकरोच में ये डायरेक्ट सप्लाई दी जा रही है ऑक्सीजन की टू द बॉडी सेल्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉकरोच के केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ में कोई एसोसिएशन नहीं है, जो कि हमें ह्यूमन के केस में या और बहुत सारे एनिमल्स के केस में दिखाई देता है। कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ये जो ब्लड है जिसे हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं, ये कॉकरोच की बॉडी कैविटी में फ्लो करता है, और क्योंकि बॉडी कैविटी हीमोलिम्फ से भरी हुई है तो ऐसी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील भी कहते हैं। और यहाँ पर कॉकरोच के पास ये पंपिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हार्ट कहते हैं, तो ये 13 सेगमेंट में बटा होता है, इसकी वजह से ये 13 सेगमेंटेड हार्ट कहलाता है। और यहाँ हार्ट से एसोसिएटेड ये फैन शेप्ड कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड हैं जिसे हम एलरी मसल्स कहते हैं, और इन एलरी मसल्स की हेल्प से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड को या हीमोलिम्फ को पंप कर पाता है, और जो कि पूरे बॉडी में फिर सर्कुलेट हो पाता है। और यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है, जिसकी वजह से जो कॉकरोच में जो ब्लड होता है, हीमोलिम्फ होता है, उसमें कोई रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम इस तरह से है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डायरेक्टली एयर को बॉडी सेल्स तक पहुंचा रहा है, उसकी वजह से इसके हीमोलिम्फ में किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। यहाँ हमने सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ हमने कुछ और पॉइंट्स मेंशन किए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यह पॉइंट हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करना चाहते हैं कि हीमोलिम्फ, जो कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, और यह कलरलेस होता है, और इसमें क्योंकि कलरलेस प्लाज्मा होता है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होता है, तो जो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका रेस्पिरेटरी रोल नहीं होता है। जैसे अगर आप ह्यूमन का केस देखें तो ह्यूमन के केस में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लंग्स से ऑक्सीजन को पिक करता है और पूरी बॉडी में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इस तरह का रोल हमें कॉकरोच के केस में नहीं दिखाई देता है ब्लड का। तो ब्लड में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है, और कॉकरोच का हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ हमने देखा है कि ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स की हेल्प से जो ऑक्सीजन है वह डायरेक्टली सप्लाई की जाती है, एनवायरनमेंट से ली जाती है और डायरेक्टली उसे बॉडी सेल्स तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से कॉकरोच के केस में ब्लड का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में के प्रोसेस में। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया है यह इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम की हेल्प से कंपाउंड आई और मोजाइक विजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉकरोचेस में या इंसेक्ट्स में हमें कंपाउंड आई देखने को मिलती है। कंपाउंड आई का मतलब है कि इनकी आंखें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे न्यूमरस कंपोनेंट्स की बनी होती हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली ओमाटीडिया कहते हैं, और एक सिंगल यूनिट को हम ओमाटीडियम कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कॉकरोच देखता कैसे है। तो विजुलाइज़ कीजिए, एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को देख रहा है, तो ये जो यूनिट्स हैं तो उस जिस भी ऑब्जेक्ट को ये देख रहा है उसके बिट्स में इमेजेस बनाएंगे। तो जैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे कॉकरोच को देख रहा है तो उस कॉकरोच के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की ये अलग अलग इमेजेस बनेंगी, और वो सारी इमेजेस कलेक्टिवली ये कंबाइन होकर फिर ये कॉकरोच उस ऑब्जेक्ट को परसीव कर पाएगा, उस एक कॉकरोच को देख पाएगा। बिल्कुल उसी तरह से कंपेयर कर लीजिए जैसे जिग्सॉ पजल में बहुत छोटे छोटे पीसेस मिलकर एक पूरी सीनरी, कंप्लीट सीनरी बनाते हैं।
तो बिल्कुल उसी तरह से कॉकरोच इन यूनिट्स की हेल्प से छोटे छोटे बिट्स में इमेजेस बनाता है और उनको कलेक्टिवली फिर एक होल ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। तो ऐसे विजन को हम मोजेइक विजन कहते हैं। ह्यूमन आई से कंपेयर करते हैं कॉकरोच की आई को, तो हमारे केस में जो हमारी जो आँख होती है उसे हम सिंपल आई कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी आई के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, उनमें ऐसे छोटी 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 कई सारी यूनिट्स नहीं हैं। तो ऐसी आँख को जो कि उसके सारे कंपोनेंट्स एज होल काम करें, तो ऐसी आई को हम सिंपल आई कहते हैं। तो जैसे हमारी आँख के सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक होल इमेज बनाते हैं रेटिना पे, तो इसको हम सिंपल विजन कहेंगे। जबकि कंपाउंड आईज के द्वारा जो बनाई जाती है इमेज, तो बिट्स में बनती हैं और उन बिट्स को कलेक्टिवली फिर जोड़कर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, और ऐसे विजन को हम मोजाइक विजन कहते हैं। इस डायग्राम में मोजाइक विजन दिखाया गया है, जो जिस तरह से कॉकरोच को चीज़ें दिखाई देती हैं दुनिया में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये ओमाटीडिया है, वही जो अभी अभी हमने बात करी है कंपाउंड आई की और मोजाइक विजन की बात करी है। तो हर ओमाटीडिया इस पिक्चर की सेपरेट इमेज बना रहा है और यह इमेज मिलकर एक कंप्लीट एक व्यू देंगी। ये कई सारी इमेजेस मिलकर उस कॉकरोच को एक कंप्लीट व्यू देंगी इस पिक्चर का। तो इस तरह के विज़न को हम मोज़ेइक विज़न कहते हैं। तो यहाँ जो हमने डायग्राम दिखाया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स को मोज़ेइक विज़न का मतलब ज़रूर समझ में आया होगा। कंपाउंड आइज और मोज़ेइक विज़न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें। यहाँ हमने कॉकरोच का नर्वस सिस्टम दिखाया है, इसे बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बना होता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड का। ये देखिए मिड वेंट्रल, ये आपको लाइन दिख रही है और यह इसकी नर्व कॉर्ड है। और यहाँ पर ये देखिए, तो ये डबल है ये नर्व कॉर्ड, ये देखिए ये डबल है और ये वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है कॉकरोच की। तो जैसे अगर आप अपना हम अपना ह्यूमन का केस को अगर हम देखें, तो हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वह सिंगल होती है और डॉर्सल होती है, यानी कि हमारी पीठ की तरफ होती है। तो लेकिन इनके केस में जो कॉकरोच हैं, जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके केस में नर्व कॉर्ड डबल है। और यहाँ पर ये देखिए, ये दो हमें देखने को मिल रहे हैं, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर डबल है और वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। अगर कॉकरोच को आप चलता हुआ देखते हैं, तो जो उसकी निचली सतह होती है वह उसकी वेंट्रल साइड होती है। तो वेंट्रल साइड में उसकी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ये देखिए, जो नर्व कॉर्ड है, तो उसमें ये बीच बीच में ये हमें ये गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं, ये गैंग्लिया दिखाई दे रहे हैं। तो गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ साइटोन्स होते हैं। आप अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर को रिकॉल कीजिए, तो न्यूरॉन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, साइटोन और एक्सोन। तो साइटोन्स के कलेक्शन को हम गैंग्लिया कहते हैं और एक्सोन्स के कलेक्शन को हम नर्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमें 9 पेयर ऑफ ये गैंग्लिया हमें दिख रहे हैं थ्रू आउट द लेंथ, जिसमें से 3 पेयर वह थोरैक्स रीजन में पाए जाते हैं और जो 6 पेयर होते हैं वह, ये जो देखिए, ये 6 जो गैंग्लिया होते हैं यह एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये इसका छोटा सा ये ब्रेन दिखाया हुआ है, तो यह भी इसका नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो बहुत ब्रीफ में यह हमने कॉकरोच की का नर्वस सिस्टम डिस्कस किया है। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक नोट मेंशन किया है, इसे डिस्कस करते हैं, कि जो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है वह थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। अभी अभी आपने गैंग्लिया देखे हैं, तो गैंग्लिया थ्रू आउट द बॉडी वह कॉकरोच की थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हैं। तो ब्रेन बहुत छोटा होता है, वह एक गैंग्लिया का ही रूप होता है, गैंग्लिया ही होता है वह, जो भी अभी हमने हेड रीजन में देखा। और यह यहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं वह केवल और केवल हेड रीजन के ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, वह हेड रीजन के ऑर्गन्स को ही रेगुलेट करती हैं। लेकिन अगर आप अपना केस विजुलाइज कीजिए, ह्यूमन का केस या किसी भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का केस विजुलाइज कीजिए, तो हर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में ब्रेन बहुत वेल डेवलप हो चुका है
और ब्रेन से ही सारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट होते हैं। तो अगर किसी वजह से कि ब्रेन से कनेक्शन ख़त्म हो जाए बॉडी का, तो पूरी बॉडी हमारी डैमेज हो जाएगी, वह काम करने के लायक नहीं रहेगी। लेकिन यह केस हमें कॉकरोच में नहीं देखने को मिलता है। अगर कॉकरोच का हेड कट ऑफ कर दिया जाए, उसके बावजूद भी कॉकरोच कई दिनों तक सर्वाइव कर सकता है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो बाकी जो गैंग्लिया हैं, जो थोरेसिक रीजन के गैंग्लिया हैं, जो एब्डोमिनल रीजन के गैंग्लिया हैं, वह इन पार्ट्स को रेगुलेट करेंगे। तो कॉकरोच नर्वस सिस्टम की सप्लाई की वजह से नहीं मरेगा। वह अगर मरता है तो वह केवल स्टारवेशन की वजह से मरेगा, क्योंकि हेड के साथ माउथ भी चला गया है, तो माउथ की वह उसको खाना नहीं मिल पा रहा है, तो वह स्टारवेशन से मरेगा, ना कि नर्वस सिस्टम के कट ऑफ से मरेगा। जो हेड रीजन में जो गैंग्लिया पाया जा रहा है, उसके कट ऑफ से वह नहीं मरेगा। तो ये कुछ बातें, छोटी छोटी बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस तरह की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम मेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये एक पेयर टेस्टिस का यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, और यह स्पर्म्स फिर ये इस डक्ट के थ्रू, जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, के थ्रू यहाँ सेमिनल वेसिकल में आएंगे। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म्स स्टोर होते हैं, और यहाँ सेमिनल वेसिकल में एक और बहुत यूनिक फीचर देखने को मिलता है कि यह सेमिनल वेसिकल में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज होंगे जो इन स्पर्म्स को ग्लू कर देंगे, यानी कि स्टिक कर देंगे, और छोटे छोटे बंडल्स बना लेंगे उन स्पर्म्स के, और उन स्पर्म्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। और यह स्पर्मेटोफोर अब इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर आएंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज किए जाएंगे। तो जो कॉकरोच होता है, तो कॉकरोच के केस में सीमन नहीं बनता है, वह स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में, जो बंडल्स हैं स्पर्म्स के, तो उन बंडल्स की फॉर्म में स्पर्म्स को रिलीज करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये स्पर्मेटोफोर जो अभी अभी हमने बताया है आपको, यह टर्म कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस डायग्राम की हेल्प से हम फीमेल कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक पेयर ओवरी का हमें दिख रहा है, और हर ओवरी में ये आठ ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम ओवेरियोल्स कहते हैं। तो यानी कि एक ओवरी में आठ हैं, तो टोटल ये 16 ओवेरियोल्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और एक ओवेरियोल में एक बार में एक एग डेवलप होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल कॉकरोच एक बार में 16 एग्स प्रोड्यूस करती है, और वह 16 एग्स अब ये ओविडक्ट के थ्रू यहाँ कॉमन ओविडक्ट में आएंगे। और यहाँ पर ये एसेसरी ग्लैंड हमने दिखाया है, तो एसेसरी ग्लैंड कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं, और यह सब्सटेंसेस एक एग केस बनाते हैं। यहाँ पर ये देखिए डायग्राम में हमने ये एग केस दिखाया है, इसे हम ऊथीका भी कहते हैं। और इस एग केस में वह एग्स अरेंज कर दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं। इस एग केस को अगर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एग्स दिखाई देंगे, और दो रो में अरेंज होंगे, वो दो लाइनों में वह एग्स अरेंज होंगे। आठ आठ एग्स की दो लाइनें बनी होंगी इस ऊथीका के अंदर। और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है स्पर्मथीका। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यह स्पर्मेटोफोर को रिसीव करता है मेटिंग के दौरान। मेटिंग के दौरान जो मेल कॉकरोच स्पर्मेटोफोर रिलीज करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वह स्पर्मेटोफोर स्पर्मथीका में स्टोर होते हैं। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, यह सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं डायग्राम की हेल्प से, और इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स के लिए यूज़ करें।
इस डायग्राम में कॉकरोच की मेटामॉर्फोसिस दिखाई है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये उथिका में एग होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एग जब हैच होंगे तो ये छोटे छोटे ये कॉकरोच, ये जो बेबी कॉकरोच हैं, ये है इमर्ज होंगे, और इन बेबी कॉकरोच को हम निम्फ कहते हैं। और ये जो निम्फ है, यह अडल्ट कॉकरोच से मिलता जुलता है, लेकिन बस इसमें विंग्स नहीं होते हैं इसके पास, और इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी मैच्योर है, इमैच्योर है, ये अभी मैच्योर होगा, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह मैच्योर होगा। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है, जिसमें जो यंग वन है वह अडल्ट फॉर्म से काफ़ी मिलता है, तो ऐसी मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो कॉकरोच में हमें ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पे बता दें कि दो तरह की मेटामॉर्फोसिस होती है, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर आप बटरफ्लाई का केस को रिकॉल कीजिए, तो बटरफ्लाई के केस में एग से लार्वा इमर्ज होता है, और अब लार्वा और आप अडल्ट बटरफ्लाई को कंपेयर कीजिए तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। अगर किसी छोटे बच्चे को बताइए कि लार्वा अभी तितली बनेगी थोड़े दिनों में, तो वह यकीन भी नहीं करेगा। आपने उतना पढ़ लिया है तो आपको यकीन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ये जो कीड़े जैसा जो चीज़ दिख रही है, ये कभी तितली बनेगा। तो इतना ड्रास्टिक चेंज जब होता है, जो स्टेजेस होती हैं किसी आर्थ्रोपोड में, कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में जब इतना ड्रास्टिक चेंज होता आता है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जहां पर जो यंग स्टेज है और जो अडल्ट स्टेज है उसमें कोई रिसेम्बलेंस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आप यहां पर आप देखिए, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के केस में। तो यहां पर ये जो यंग वन जो इमर्ज हुआ है एग से, इसे हम निम्फ कह रहे हैं, तो ये अडल्ट फॉर्म से मिलता जुलता है, इसमें बस अभी विंग्स नहीं है, और इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वह समय के साथ मैच्योर होगा। और ये इमैच्योर फॉर्म जो अभी इमर्ज हुई है एग से, इसमें 13 स्टेजेस आएंगी। अभी यह उतना डिटेल में यह डायग्राम दिखाया नहीं है, बनाया नहीं है। 13 स्टेजेस ये क्रॉस करेगा यह निम्फ, तब कहीं जाकर यह अडल्ट फॉर्म को अटेन करेगा, और उन 13 स्टेजेस को हम कहते हैं निम्फल स्टेजेस। कॉकरोच की डेवलपमेंटल साइकिल अभी हमने डायग्राम में देखी है, तो उस डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये एक और टर्म बता दें, मोल्टिंग, जो हम अभी बोल रहे थे निम्फल स्टेजेस, तो उन स्टेजेस को हम मोल्टिंग भी कहते हैं।